दुर्वा वो हरी होती है, ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर एक लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापिस उठा कर ले आए, जिसके डायलिसिस चल रहे हों या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिवजी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें, वो दुर्वा फिर वापिस पानी में गला दें और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके एक हफ्ते में अगर दो भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ होगा, उसको लाभ मिलना प्रारंभ होगा। पर करना कब है इसको, कब कर सकते हैं, तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन, दिन में कभी भी शाम तक रात्रि तक तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए तब देवाधिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान, उसको अवश्य दिया शंभू।